भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ने। ये रोबोट है अच्युत, यानी वो जो कभी मिट नहीं सकता। अच्युत से शुरू हुई इस जर्नी में आज कई रोबोट्स शामिल हो चुके हैं। आईआईटी मुंबई में भी रोबोटिक्स को लेकर एक बज है, एक हलचल है। यहाँ के होनहार स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स टेक्निकल एक्टिविटीज बॉडी की शुरुआत की है और ये बॉडी रोबोटिक्स के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मेरी एक टीम है AUVITB एंड हम लोगों ने एक व्हीकल बनाई है मत्स्या नाम से, जो एक स्वचालित पनडुब्बी है। ये 150 फीट तक जा सकता है और ये 40 किलो के प्रति तक वे करता है। मुंबई के इन स्टूडेंट्स द्वारा बनाया ये मत्स्य रोबोट पानी के अंदर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। ये एक पूरा कंप्लीट AUV की तरह पैकेज में काम आता है, जिसमें तुम्हें कुछ टैंक क्लीनिंग करनी हो या तुम्हें पाइपलाइन देखनी है अंडर वाटर, MS-370 जैसे फ्लाइट जैसे घूम जाती है उनके अंदर एक ब्लैक बॉक्स जैसी चीज होती है, सबको पता है, तो वो चीज ढूंढने के लिए ऐसे AUV काम आती है। राइट लेफ्ट, रोबोटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बनानी हो या फिर इन जनरल रोबोटिक्स रिलेटेड कुछ करना हो, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यंगस्टर्स। कंपनीज लाइक बॉश, कंपनीज लाइक L&T, कंपनीज लाइक रिलायंस, एवरीवेयर पीपल आर वेलकम एंड सॉफ्टवेयर जायंट्स गूगल फेसबुक जगह सब जगह तो बुलाते ही है इनको। मेरा एंटिटी टेलीकम्युनिकेशन में प्लेसमेंट्स हुआ है, मुझे टोक्यो ब्रांच में ऑफर मिला है और मुझे 23.5 लाख रुपीज एनुअली सैलरी मिल रही है वहाँ पे। राहुल की तरह आप भी अगर रोबोट की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो जानते हैं कैसे और कहां से आप कोर्स करके बना सकते हैं अपना करियर। रोबोटिक्स में मुख्य रूप से मास्टर्स के विद्यार्थी रहते हैं, मिनिमम एमटेक होना पड़ेगा इस फील्ड में रोजगार पाने के लिए। थोड़ी बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए या फिर थोड़ी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। NITs में और कुछ साउथ इंडिया में काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हैं जिनमें रोबोटिक्स लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा रोबोटिक्स एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर, उस सेक्टर में काफ़ी रिक्वायरमेंट है। बट बहुत सारे ऐसे नए क्षेत्र हैं जहाँ पर रोबोटिक्स आएगा। एनर्जी सेक्टर है जहाँ पर न्यूक्लियर सेक्टर अभी ग्रो करेगा, तो वहाँ बहुत सारे रोबोटिक एप्लीकेशन हैं क्योंकि वहाँ पे आप आदमी को एक्सपोज नहीं कर सकते। दूसरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र अभी आ रहा है सोलर पावर के एरिया में, हम लोग बहुत सोलर पावर पैनल्स बना रहे हैं, वो पैनल्स गंदे हो जाते हैं और वो कई कई एकड़ में फैले हुए फार्म्स हैं, तो वहाँ आदमी को जाके क्लीन करना शायद संभव नहीं हो, तो उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन डेवलप होंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे क्षेत्र धीरे धीरे डेवलप होंगे जिनमें रोबोटिक एप्लीकेशन होंगे, बट अभी उनमें करीब 5 से 10 साल का समय है।